मतलब कि लोग चंद लाइक्स और चंद फॉलोअर्स के लिए इतने गंदे कंटेंट डालते हैं कि परिवार में घर पे बैठ के उनकी कोई भी कंटेंट लोग देखते ही नहीं है। तो मेरा उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी इज्जत को दांव पे मत लगाओ, अपने टैलेंट के दम पे बन के दिखाओ लोगों को ताकि पता चले, क्योंकि जिस्म दिखाने से लाइक मिलती है, इज्जत नहीं मिलती मैडम। ये जो लोग बोलते हैं ना कि भाई तूने आग लगा दी, असल में वही लोगों से आग से सबसे ज्यादा जलते हैं। सही बोल रहा है। देंगे तन है तेरे दोस्त तेरे मित्र चार गाड़ी नंबर मतलब बदमाश। राम राम जी, मैं खुशबू झलको झुंझुनू पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आपा पहुंचे हाँ नवलगढ़ तहसील के अंदर जुंडलोद के अंदर आपा पहुंचे हाँ। अभी फिलहाल बात कर लें तो आमिर जी आज आपा मिले हाँ डुंडलोद के अंदर, और जो बात करा तो उम्र है बाकी 21-22 साल है, और अभी की आपा बात करा तो यह बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। अकी जो एक जोश जोश एफ है बिको पर 4,44,000 फैन फॉलोइंग है, सबसे आका जो अनफॉलो करी ही। और बात करा तो एक चिंगारी चिंगारी और है बी पर 12 वीडियो डाले है बी पर ही जो वेरीफाई हुगो, और जो ब्लू टिक आया कर है वो आ रहे है बी। बातचीत करांगा कि जर्नी के बारे में, और बात करा तो काफ़ी सारा या कि फैन फॉलोइंग है और इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी हा। आप ये एक्टिंग के फैशन में इस क्षेत्र में कहीं आया, कबू था नहीं लगे कि एक्टिंग फैशन के क्षेत्र में अपना नाम होना चाहिए? मैडम मैं सोशल मीडिया पे 5 साल से एक्टिव हूँ। पाँच साल से एक्टिव हूँ, मतलब थे 14-15 साल का तब भी होगा। हाँ, क्योंकि मैडम आज के दौर में आपको पता है कि डॉक्टर इंजीनियर्स ये सब बनते हैं, लेकिन एक अलग पहचान बनानी बहुत बड़ी बात है, तो मैंने उस फील्ड में बहुत मेहनत की। 5 साल तक मैंने सोशल मीडिया पे अपना स्ट्रगल जारी रखा। तो घर का कैसे समझ पाए चीज़ ने, क्योंकि घर परिवार ये चीज़ समझ कौन पाए? मैडम फर्स्ट के अंदर तो कुछ ऐसा सीन था कि घर वालों ने भी मेरे को बहुत रोका कि ये सब चीज़ सही नहीं है, ये मतलब एक लाइन पकड़ो कमाने की, बिजनेस की लाइन पकड़ो वो अच्छी होगी। तो मैंने शुरू में कन्वेंस किया लेकिन माने नहीं, फिर अचानक जैसे जैसे एक्टिविटीज़ मिलती रही, जैसे जैसे फैम मिलता रहा, तो घर वालों को समझ में आने लगा कि मतलब इसका ड्रीम है, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। पढ़ाई पढ़ाई कितनी के करो थे? अभी मैंने मैडम 12th की है, 12th मैंने अभी अपनी कंप्लीट की है, जो कि अपनी डुंडलोद से। तो आगे पढ़ाई में कुछ करना चाहो हो या ई फील्ड में? नहीं मैडम, ग्रेजुएशन भी अपनी मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है ना कि हर चीज़ में ग्रेजुएशन इंपॉर्टेंट होती है, आगे चलकर भी हमसे लोग ग्रेजुएशन पूछते हैं, तो दोनों को मैं अब बराबर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थाने कहें लगे कि मैं ई फील्ड में जाना चाहूँ, मतलब शुरू ही बच्चा हुआ है कि यहाँ कया का डांस की हुआ है, कया की एक्टिंग की हुआ है, कि भाई सामने टीवी चल रहा है या हीरो या हीरोइन कर रही है भाई आपा करा? मैडम जैसे कि मैं अपने वीडियोस बनाता था लोगों के वीडियोस देखकर, तो मतलब मेरे अंकल है, मेरे भाई है, उनको बोला तू इस फील्ड में जा और इस फील्ड में मतलब काम कर, क्या पता कि जाके सक्सेस हो ही जाए। तो झुंझुनू के अंदर कोई डॉक्टर बनाए, कोई इंजीनियरिंग, कोई मतलब फौज में जाना चाहो, कोई कुछ करना चाहो, तो थारे अंदर यह चीज़ कैसे? पूरे राजस्थान को ले लो मैडम आप, इस फील्ड में किसी का नाम नहीं है, इस फील्ड में ना कोई बच्चा ना कोई सेंसेशन या फिर कोई स्टार आगे आया नहीं है। तो मेरे दिल में शुरू से यही थी कि मेरा जो गांव है, पहले मैंने यही सोचा कि मेरा जो गांव है वो किसी मैप में नहीं आता और किसी सोशल नेटवर्किंग साइट पे इतना अच्छा वो है नहीं इस फील्ड के अंदर रिस्पॉन्स। तो मैंने उसी टाइम से सोच लिया था कि मैं अपने गाँव को एक ऊँचे मुकाम पर लेकर जाऊँ, ताकि मेरा गाँव भी जाना जाए कि डुंडलोद भी एक शहर है और आमिर कुरैशी वहाँ से बिलोंग करता है। अभी कोई थाने अवार्ड वगैरह मिले कुछ? हाँ मैडम, वो क्या है ना कि जोश से मेरी सैलरी अटेस्टेड हो चुकी है, और अभी जो रिसेंटली उनका मेरे पास ईमेल आया था, सितंबर के अंदर एक गुड़ी आएगा जोश की तरफ से, जो बड़ा गिफ्ट होता है जो क्रिएटर पॉपुलर क्रिएटर्स को मिलता है। तो मतलब एक अंदर सैलरी भी आवा है? जी मैडम, ये सैलरी उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनका अकाउंट वेरीफाई होता है। जी प्रतियोगिता में थे जीते हो, थाने कब पता लगा कि यहां के? मैडम एक्चुअली में क्या हुआ ना कि उसका मैं आपको पूरा ही बता देता हूँ। घर पे बैठा था तो IFS इंडिया फैशन हंटर के जो डायरेक्टर है विकास रुद्रा प्रोडक्शन से बिलोंग करते हैं, उनका बहुत बड़ा स्टूडियो है जयपुर के अंदर, तो उन्होंने मेरे को मैसेज किया ईमेल के थ्रू कि अमीर ऐसा ऐसा है, नए यूथ के पूरे वेरिएशन बच्चे आगे आ रहे हैं, तो तुम्हें इस फैशन हंटर प्रतियोगिता में कॉन्टेस्ट देना चाहिए। तो फिर मैंने डिस्कस किया अपने दोस्तों से घर वालों से कि ऐसी बात है, तो हालांकि घर वालों ने बोला कि ठीक है तेरा इस चीज़ में इच्छा है मोटिव है तो तू इस चीज़ को कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ मैडम कुछ सीन ऐसा था कि कुछ ऐसे स्टारडम किड थे जो पहले से अपनी रैंक बना रखी थी जिन्होंने, तो मैंने उनको सिर्फ 7 दिन के अंदर अपना जो रैंक है वो इंडिया की टॉप 10 में अचीव की। तो यो करके थाने का शौक लग गया? ये करके मैडम मेरे को बहुत ही गर्व फील हुआ और बहुत ही प्राउड फीलिंग आई, क्योंकि उस टाइम के बाद में लोग जानने लगे
कि हाँ अमीर कुरैशी डुंडोद का रहने वाला है। डुंडोद भी एक गांव है जहाँ से इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, क्योंकि मैडम आपको पता है कि पूरे इंडिया के अंदर 8th रैंक वो भी डुंडोद की आना बहुत बड़ी बात, मानता हूँ मैं इन सबको। और कोई लड़की लड़की? नहीं नहीं मैडम, मैं लड़कियों वड़कियों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता हूँ। मेरा नहीं, काफी सारी रील वगैरह बनावी है तो नहीं, मैं मुझे उनके कंटेंट बिल्कुल पसंद नहीं आते। रील वगैरह बनावी आपको क्यों? ज्यादा ही ट्रेंड है और जावी बैठे जहाँ लोग पहचान भी जाए, लोग पहचानी भी हैं। हाँ मैडम, आसपास के एरिया में बहुत ज़्यादा पहचान है, लोग जानते भी हैं, और जहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ वहाँ पे लोग आकर पूछते भी कि आप प्रिंस अम्मू हो ना, क्योंकि लोग मुझे आमिर कुरैशी के नाम से कम और प्रिंस अम्मू के नाम से ज़्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा जो 5 साल से जो यूजर नेम है तो मैंने वो प्रिंस अम्मू ही रख रखा है। गाँव का लोग ही जै, मतलब कोई बच्चा ही गया जै थे निकले, वो काफ़ी सारा बच्चा ही करना चाहिए, काफ़ी बच्चा मतलब रील वगैरह बनावी भी हैं, पर मम्मी पापा बाको कठे ना कठे सपोर्ट कौन करी, और मम्मी पापा भी करी तो और लोग ही मैंने माने नीचे गिरानी है, मतलब बन कर कौन पाए तो बच्चा थे की तरीका समझाऊगा कि भाई आगे ई फील्ड में जाए। देखो मैडम, मेरा तो उनके घर वालों से पहले तो उनके घर वालों से एक फॉर्मल मैसेज है कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों पर ना थोपे कि मैं इसको डॉक्टर ही बनाऊंगा, उसको पहले पूछ लीजिए कि उसका किस चीज़ में मन है, और बच्चे का ये होना चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने घर वालों को समझाए बैठ के कि मैं इस चीज़ में जाना चाहता हूँ, और बताए इसकी क्या कमियाँ हैं और क्या अच्छाई है, ताकि घर वालों को समझ में आए। और मैडम आपको पता है कि जहाँ मतलब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो गिराने वाले बहुत होते हैं, तो हेटर्स को तो बिल्कुल भी गौर नहीं करने का है, इग्नोर ही करने का है, क्योंकि जो लोग अब जब आपका स्ट्रगल रंग लाएगा तो जो लोग आपके पीछे से बोलते थे वो आगे से सलाम करेंगे। तो मेहनत तो बिल्कुल नहीं छोड़नी, और घर वालों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे की सुने, उनकी जो अंदर की जो चीज़ है टैलेंट है उसको छुपाए नहीं, उनको करने दीजिए, आपका नाम रोशन होगा। और देखा तो मम्मी पापा ही भी कठे ना कठे छोड़ देती, तो बच्चा ने भी दो शब्दों समझाओ कि बच्चा भी कोई गलत लाइन ना पकड़े, क्योंकि गलत लाइन भी बहुत पकड़ लेंगे। हाँ मैडम, होता है ना बहुत सारा, मतलब लोग सोशल मीडिया का ही ले लो आप, उसका बहुत गलत फ़ायदा भी उठाते हैं, मतलब कि लोग चंद लाइक्स और चंद फॉलोअर्स के लिए इतने गंदे कंटेंट डालते हैं कि परिवार में घर पे बैठ के उनके कोई भी कंटेंट लोग देखते ही नहीं है। तो मेरा उन लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के लिए अपनी इज्जत को दाव पे मत लगाओ, अपने टैलेंट के दम पे बन के दिखाओ लोगों को, ताकि पता चले, क्योंकि जिस्म दिखाने से लाइक मिलती इज्जत नहीं मिलती। मैडम लास्ट में आपने झुंझुनू का जो दर्शक हैं बन के संदेश देना चाहोगे? मैडम पहले तो मैं उनका बहुत ही तहे दिल से थैंक यू करना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और हर एक मोमेंट पे वो लोग आगे आए और उन्होंने इतना प्यार दिया। और दूसरी बात, चाहे मतलब कितने बड़ा मुकाम मिल जाए, मैं अपने ऑडियंस को कभी नहीं भूलूंगा, उनका उनके लिए मैं एनी टाइम खड़ा रहूंगा, जितना उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया है उतना मैं उनको सपोर्ट करूंगा। और जो झुंझुनू में जो यंगस्टर बच्चे हैं मेरे टाइप के, उन लोगों को मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि मेहनत करो, घर वालों को समझाओ, कभी भी ब्रेक डाउन ना करो, नेवर गिव अप, हमेशा मेहनत करने का, क्योंकि स्ट्रगल कभी वेस्ट नहीं जाता, एक ना एक दिन तो रंग जाता है। आप कभी ये मत सोचना कि अपना जो स्ट्रगल है वो वेस्ट जाएगा, मेरी वीडियोस वायरल नहीं हो रही है, मैं मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, ऐसा तो कभी नहीं करने का है। मेहनत करो, लोगों को एक दिन आपका टैलेंट दिखेगा और आप एक उभर के बाहर आओगे एक सितारे के रूप में, फिर देखना आप कितने बड़े मुकाम पर पहुँचोगे। और भी आपने झुंझुनू जिला के अंदर कोई में भी या कोई टैलेंट है, कोई क्या फर एक्टिव है, कोई क्या फर एक्टिव है, तो भाई पक्का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ कि बठियान की मैं पूरी कोशिश कर देगा। और वीडियो ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो ताकि आमिर हैं आके बारे में और लोगों भी पता लगे, और चैनल ना सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय झुंझुनू।